हमारा हे बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। हमें
संग पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन।
हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचन। आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। संतों के लिए जो चंदा एकत्र किया जा रहा है, उसके विषय में आप लोग उस निर्देश का पालन करें जिसे मैंने गलातिया की कलीसियाओं के लिए निर्धारित किया है। आप लोगों में हर एक प्रति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दें और अपने यहाँ सुरक्षित रखें। इस तरह मेरे पहुंचने के बाद ही चंदा जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन लोगों को आप उपयुक्त समझेंगे
आने पर मैं उन्हें पत्र दूंगा और वे आपका दान यरूशलेम पहुंचा देंगे। और यदि यही उचित जान पड़े कि मैं स्वयं जाऊं, तो वे मेरे साथ चलेंगे। मैं मकेदुनिया का दौरा समाप्त कर आप लोगों के यहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं मकेदुनिया जाने वाला हूँ। यदि हो सका तो मैं आपके यहाँ कुछ समय तक रहूँगा और शायद जाड़ा भी बिताऊँगा, जिससे इसके बाद मुझे जहाँ भी जाना होगा आप मेरे लिए वहाँ जाने का प्रबंध करें। मैं इस बार यात्रा करते हुए आपसे मिलना नहीं चाहता। प्रभु की इच्छा होने पर मैं कुछ समय तक आप लोगों के यहाँ रहने की आशा करता हूँ। मैं पिंतकोस तक एफेसुस में रहूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है और बहुत से विरोधी भी हैं। जब तिमोथी आएंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि उन्हें आपके यहाँ कोई चिंता ना हो, क्योंकि वह मेरी तरह प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं। उनकी उपेक्षा कोई नहीं करे। आप लोग मेरे पास उनके सकुशल वापस आने का प्रबंध करें, क्योंकि मैं भाइयों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भाई अपोलोस के विषय में मुझे यह कहना है कि मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि वह आपके यहाँ जाए, किंतु वह अभी एकदम जाना नहीं चाहते। अवकाश मिलने पर वह आएंगे। आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा समर्थ बने। आप जो कुछ भी करें भ्रातृप्रेम से प्रेरित होकर करें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तदा पश्चिम से और उत्तर तदा दक्षिण से लोग आएंगे
और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वन दाता, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व के लिए और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संबोज परमादेश मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए तथा उनके सदा सेवकों के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमानित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर, हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों में अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। प्यारे भाइयों और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वो तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा महेश्वरत के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर, तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। जो स्नान संस्कार स्वीकार कर चुके हैं और जीवन की मुद्रा से अंकित हैं, वे भक्ति और ध्यान से पवित्र रस्यों में भाग लें। प्रभु परमेश्वर।
पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। जन कहिए आमेन आमेन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते, विजयी भक्तों शहीदों के सर। सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में, प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। शक्तिमान परम पिता एक ही यह परमेश्वर, सृष्टा दृश्यादृश्यों का यह विश्वास हमारा है। से उत्पन्न जो नहीं बनाय हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है
यह विश्वास हमारा है। प्रभु कतन जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा। अंतिम दिन मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा। मात्र है कलीसिया प्रेरित गत और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृद प्राधिधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह कुर्बाना मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सातक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रीत संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महा,
दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर ले गाए अपने हृदय विचारों को, इब्राहिम इसहाक के प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। चांदी हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आदि नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीव होंगी कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टि होंगी वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अपने उपकार किया है। हे प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबीन तथा दिव्य सराफिन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान एक दूजे से पुकार कहते, पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु प्रभु ईश्वर। इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में ये रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद
उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में एक किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए है। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगतगुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संबोज्य मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों उपयाचकों समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम भरम से विदा लेकर सिद्धारे समृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, ये कुर्बाना स्वीकार कर। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस माता कुवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माधीक्षों याचकों और उपयाचकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्व मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराज और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुत्थान की दृढ़ आशा
और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्यंत मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेष कर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेलमिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं, हे प्रभु हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। ये प्रभु और तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंधकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप पर अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप पर अपराध क्षमा कर। हे प्रभु ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपने असीम कृपा से अपने अपराध कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है, आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा, आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु पवित्र कुर्बाना पवित्र लोगों के लिए है, एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो, आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करें, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दादा प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा, आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करते हैं स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अग्रणी दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है, तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया, हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु
जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें सदा ही तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परमेश्वर ने प्रभु येसु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयनश्वर भाग्य ये ही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही प्रभु ये सुने बुलाया हमें स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा खून ये ही जो पीता है सच्चा जीवन पाएगा उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा दंडाज्ञा से बचा लूंगा शाश्वत जीवन मैं दूंगा सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदा संभाले प्रभु मंडली को चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर जीवनदायी हर पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो विपत्तियों से मोचित हो प्रभु वर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्वसदा।